नारायण नारायण। प्रणाम कुबेर महाराज। आइए नारद मुनि, इस ओर किस कारण वशाना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर आजकल आपके सहयोगी शंखासुर के दुर्व्यवहार के भी बहुत चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। हाँ नारद मुनि, आपने बिल्कुल सही सुना है। और क्यों ना हो शंखासुर की चर्चा चारों, मुझ जैसा धनी तीनों लोकों में कोई नहीं। इतना घमंड? शांत हो जाओ शंखासुर। मेरी तो महिमा ही अनोखी है। महिमा तो उन दो बालकों की अनोखी है, फिर भी समूचा वृंदावन बस कृष्ण और बलराम की चर्चाओं से गूंजता है। असंभव। वो तो तुम्हें वृंदावन जाकर ही पता चलेगा। नारायण नारायण। अरे पागल हाथी! कृष्ण, बलराम, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं किया, तुम्हें इसके लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। मूल्य? पूरी एक एक हंडी माखन सबसे लेंगे। तो वहाँ है कान्हा। तुम गोपियाँ शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। बलराम, हमें इस शंखासुर से बचाओ। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। बलराम, यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है ना? प्रणाम करता हूँ। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। चिंतामणि का निर्माण स्वयं श्री ब्रह्मा ने किया था, उसके सामने हमारी शक्ति निर्बल है। नारायण नारायण, अब तो मुझे केवल एक ही उपाय सूझ रहा है, श्री कृष्ण और बलराम। देखिए तो बलदाऊ, दुष्ट कैसा सोने से लदा हुआ है। और वो चिंतामणि पत्थर अभी भी उसके हाथ में ही है।
जैसा कि देवों ने भी बताया, जब तक चिंतामणि उसके हाथ में है, हम उस पर वार नहीं कर सकते, वरना उसकी मात्र इच्छा से ही हमारी हार और उसकी जीत हो जाएगी। हे नारद मुनि, कृपया दर्शन दे। नारायण नारायण। कृपया शीघ्र ही हमें एक पोटली भर हीरे और अनमोल मोती ला दीजिए। जो आज्ञा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बाहर बगीचे की ताजी हवा में सैर की जाए। देवों के बगीचे में तो हीरे पत्थरों की तरह गिरे पड़े हैं। एक एक और। इसे मढ़वा कर मैं अपने लिए विश्व का सबसे सुंदर मुकुट बनाऊंगा। इस बरस तो सावन भी भरपूर बरसा था, फिर इस प्रकार अचानक सूखा पड़ जाना बहुत ही विचित्र सी बात है। देवी। वृंदावन वासियों का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम भूदेवी। वृंदावन वासियों, वृंदावन की पावन भूमि से अचानक ही नदी नाले खेत खलियान सूख जाने का कारण एक अत्यंत ही दुष्ट असुर है, जिसने स्वयं यमुना देवी को पर्वतों में बंदी बनाकर उनके प्रवाह को रोक दिया है। श्री कृष्ण और बलराम, हमारा आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र ही उस असुर को परास्त कर यमुना देवी को मुक्त करें। अवश्य भूदेवी। यमुना देवी, मेरे क्रोध से तुझे वो वृंदावन के दो बालक नहीं बचा सकते। जरा उस और तो देख दुष्ट असुर, वो वृंदावन के दो बालक कृष्ण बलराम ही हैं, जिन्होंने तुझ जैसे कई दुष्ट असुरों का नाश किया है। हा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 ह
मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। क्षमा तुम्हें यमुना देवी से मांगनी होगी। हाँ। उस असुर ने मेरा प्रवाह रोकने और दिशा बदलने के लिए मेरे पथ में ये पहाड़ गिरा दिया है। यदि आप किसी प्रकार उसे मेरे पथ से हटा सकें, तभी मेरा जल फिर से पहाड़ों से नीचे बह पाएगा। राधा कहाँ रह गई? उसे गए तो बहुत देर हो गई। कहकर तो गई थी बस नदी से पानी लेकर, अभी लौटती हूँ। चलिए बलदाऊ, नदी पर जाकर देखते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि। मुनिवर, राधा यहाँ बेसुध पड़ी है, परंतु इसकी ऐसी दशा का कारण हम नहीं बूझ पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ क्या हुआ जिससे राधा बेसुध हो गई। अभी कुछ क्षण पहले ही राधा को एक जहरीले नाग ने डस लिया है, उसी विष के कारण ही राधा अपनी सुध खो चुकी है। मुनिवर, इसका कोई तो उपचार होगा। नागों के विष हरने का उपचार धरती पर तो नहीं है, सिर्फ स्वयं नाग महाराज ही विष हरण की औषधि दे सकते हैं। जहाँ नागों का वास है, वहीं नागों के नरेश पद्मनाभ के वन से ये बूटी आप प्राप्त कर सकते हैं। और नागलोक में क्यों आए हो? कृपया आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बलराम है और ये मेरा भाई कृष्ण। प्रभु आप क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचानने में विलंब कर दिया, क्षमा कीजिए। अब और विलंब ना कीजिए नाग नरेश, सर्प विष हरण बूटी हमें जल्द से जल्द दे दीजिए। वहाँ हमारी सखी राधा विष के कारण बेसुध पड़ी है। अवश्य। काना। धन्यवाद नाग नरेश, आपके उपचार से राधा की सुध लौट आई। धन्यवाद नाग नरेश। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम।
कृपया मेरी सहायता करें, मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ, देवलोक की अप्सराओं की रानी। एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाए, केवल तभी मैं वापस स्वर्ग लोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी, कृपया आप बताइए हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं। मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है, कृपया मेरे साथ चलिए। मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे खड़े होकर कोई भी इच्छा करने पर कल्प वृक्ष इच्छा की पूर्ति अवश्य करता है। तो फिर विलंब कैसा, हम सब तुरंत ही प्रस्थान करते हैं। मेरु पर्वत जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी, बहुत से मायावी प्राणी वहाँ पर पहरा देते हैं। वृक्ष तक पहुँच पाना इतना सरल भी न होगा। उसकी चिंता आप ना करें देवी, परंतु हमें सतर्क अवश्य रहना होगा। संकेत है, अब वे पर्वत के बाकी पहरेदारों को भी सचेत कर देगी। सभी फूलों में सबसे सुंदर है कमल का फूल। क्या तुमने पारिजात फूल के बारे में सुना है? देखा तो नहीं, परंतु शायद सबसे कोमल फूल वही होगा। ये कौन सा फूल है, ना कभी देखा ना सुना। कहते हैं पारिजात नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी, जिन्हें सूर्य देव की चाह हो गई। राजकुमारी का प्रेम भाव इतना गहरा था कि उनकी मृत्यु पश्चात उन्होंने पारिजात वृक्ष का रूप ले लिया, जिसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं। सूर्योदय होने पर जैसे ही सूर्य देव की किरणें धरती पर पड़ती हैं, राजकुमारी के आंसुओं समान पारिजात फूल गिरने लगते हैं। मटके में दूध है या पानी, लगाना कौन सा मुश्किल है। बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मुझे रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। राधा सुनो, तो मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब मान भी जाओ राधा। नहीं। फिर तुम ही बताओ कैसे तुम्हें मनाऊं। पारिजात फूल ला कर दो। कृपया दर्शन दीजिए चंद्रदेव। कहिए श्री कृष्ण बलराम, पारिजात वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, आप शायद हमें बता पाए। अवश्य, आप मेरे साथ आइए।
इस वृक्ष में अद्भुत शक्तियाँ हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं, और सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। इस वृक्ष से फूल कभी तोड़े नहीं जाते, केवल गिरे हुए फूलों को ही चुना जाता है। जी चंद्रदेव, हम भी इस प्रथा का पालन अवश्य करेंगे।